एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक किसान रहता था। गुजर बसर के लिए उसके पास कुछ जमीन थी जिससे वह मेहनत करके अपना जीवन चला लेता था। उसका एक लड़का था, नाम था लखन। वह बड़ा आलसी प्रवृत्ति का था, काम करना उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। दीनदयाल उसे समझाता था पर उस पर उसका कोई असर नहीं। लड़का जब बड़ा हो गया तो दीनदयाल ने सोचा, चलो अब बड़ा हो गया है तो इसकी शादी करा दी जाए, शायद शादी के बाद इसकी आदत में सुधार आ जाए। माता पिता तो जनरली यही सोचते हैं। और एक दिन दीनदयाल ने उसका विवाह करा दिया। पत्नी घर आ गई, फिर भी लखन की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। अपने इकलौते पुत्र को समझाते समझाते आखिर दीनदयाल दुनिया से चल बसा। लखन की ज़िंदगी में अब भी कोई सुधार नहीं आया। उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाती पर वह अपनी आदत से बाज नहीं आता, क्योंकि उसे मुफ्त की रोटी खाने की आदत लग गई थी। जब भी पत्नी समझाती तो वह पत्नी से झगड़ा कर बैठता। आखिर के एक दिन उसकी पत्नी भी उसे घर छोड़कर मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद तो लखन कुछ दिन खेतों को बेचकर मजे से रहा, लेकिन अब कुछ खेत ही बच गए जो कि साहूकार के पास गिरवी रखे थे। छुड़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी स्थिति एकदम दयनीय हो गई। तब उसने सोचा, कहीं दूसरी जगह जाया जाए, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। इसी बहाने उसने गाँव छोड़ने का इरादा कर लिया। गर्मी का दिन था, चलते चलते दोपहर हो गई। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। कुछ दूर जाने के पश्चात एक गांव के पास एक कुटिया बनी हुई थी। वहां एक साधु आसन लगाए बैठा था। लखन ने सोचा, चलो साधु की कुटिया में ही कुछ विश्राम कर लिया जाए, शायद पीने के लिए पानी मिल जाए, खाने के लिए कुछ मिल जाए। ऐसा सोचकर लखन साधु की कुटिया में पहुंच गया। साधु ने एक अजनबी आदमी को अपनी कुटिया में आते देखा तो बड़े आदर से बिठाया, कुछ फल खाने के लिए दिए और पूछा, भाई इतनी दोपहर में इतनी धूप में कहाँ से आए हो तुम, बड़े थके मालूम होते हो। लखन ने अपनी सारी दास्तान एज इट इज साधु को सुना दी। साधु समझ गया कि लखन आलसी व्यक्ति है और काम से जी चुराता है, तभी तो जमीन जायदाद को छोड़कर जा रहा है। साधु ने सोचा, इसे कैसे समझाया जाए। तभी उनकी नज़र एक कुछ चींटियों पर पड़ी जो फल के छोटे से टुकड़े को लेकर जा रही थी। अचानक साधु के मन में विचार आया, क्यों ना इसी से इसकी समस्या का हल किया जाए। ऐसा सोचकर साधु ने लखन से चींटियों की ओर इंगित करते हुए कहा, इन्हें देख रहे हो लखन, ये क्या कर रही है। लखन ने कहा, चींटियां कुछ चीज़ों को ले जा रही है। साधु ने कहा, जब इतनी छोटी छोटी चींटियां भी बिना मेहनत के नहीं खाती, फिर तुम्हारे पास तो इतना बड़ा शरीर है, जमीन है, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आनंद से बीत सकता है। साधु के वचन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और लखन लौट चला अपने भविष्य को संवारने। फिर वो लखन गाँव में मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे बचत कर अपने गिरवी रखे खेत को भी छुड़ा कर सुखमय जीवन जीने लगा। इस बदलाव को देख कर उसकी पत्नी भी वापस आ गई। कहा गया है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। एक बार की बात है, हम बहुत कान लगाकर सुनते हैं कई सारी चीज़ें, हमारा ध्यान रहता है कौन क्या बात कर रहा है, और हम ये सोचते हैं शायद हमारे बारे में बात कर रहा होता। मन की बातें पता करने से नुकसान बहुत है। सामने वाला आपके लिए क्या सोचता है वो पता करने जाएंगे तो आप ठोकर खा जाएंगे। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक व्यक्ति ने कबाड़ी के यहाँ से एक चश्मा लिया। वो चश्मा साधारण चश्मा नहीं था, वो चमत्कारी चश्मा था। जैसे ही उसने वो चश्मा लगाया, चश्मा लगाते ही जो सामने वाले व्यक्ति जिसकी तरफ वो व्यक्ति देखता था, वो मन में क्या सोच रहा है सामने वाला व्यक्ति, वो उसे समझ में आ जाता था। वो अपने घर गया। घर में जैसे ही उसने अपने बड़े बेटे को देखा तो बड़ा बेटा मन ही मन बोल रहा था, बुढ़ा मरता नहीं, जायदाद हमारे लिए छोड़ता नहीं, हमारे लिए पैसे नहीं छोड़ता, कब मरे और कब सारी चीज़ें मेरे हाथ में आए। उसने अपने बेटे को जोर से तमाचा लगाकर घर के बाहर निकाल दिया। छोटा बेटा भी इसी प्रकार का कुछ सोचता था, उसे भी बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे करके उसकी पत्नी भी इवन टू उसके घर के बाहर निकल गई, निकाल दिया गया। धीरे धीरे वो अकेला हो गया। जिधर भी देखता उधर लोग उसके बारे में बुराई सोचते थे। उसने विचार किया कि मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, कोई एक व्यक्ति गलत सोचता है समझ में आता है, मेरे लिए सब गलत सोचते हैं, इसका अर्थ ये है कि मुझ में ही कुछ गलती है। तो वो अपनी गलतियाँ सुधारने लगा। लेकिन सुधारने के बाद भी जब किसी और की तरफ देखता तो वही पुराना राग। उसको लगा कि शायद मैं सुधर भी जाऊँ, लेकिन मुझे उसके मन की बात पता लग रही है, इस वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ। क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि मन की बात पता ना लगे। लेकिन उसे वो ध्यान नहीं था कि उसने चश्मा लगाया हुआ है, उसी से मन की बात पता लग रही है। उसने इधर उधर आते जाते वो चश्मा कहीं खोल कर रखा और किसी व्यक्ति को देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसको पता लगा कि
मर्ज कहाँ है? उसने तुरंत चश्मा लिया और अपने पैर से उस चश्मे को चकनाचूर कर दिया। वो अपनी पत्नी के पास गया, अपने बच्चों के पास गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि घर पे चलो, अब तुम्हारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है। धीरे धीरे खुशी के दिन फिर से लौट आए। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी व्यक्ति के अंदर झांकने की, उसके मन में क्या चल रहा है वो मालूम करने की, या कान लगाकर बातें सुनने की आदत कभी न डालें, क्योंकि वो बातें, वो चीज़ें आपके लिए कष्टकारक होती है जैसे उस व्यक्ति के लिए हुई। यदि आप चाहते हैं सब आपके साथ रहें, प्रेम से रहें, तो आप कोशिश ये करें कि आप उनके हृदय के अंदर ऐसा स्थान बना लें कि वो आपके लिए सोचें भी अच्छा है और करें भी अच्छा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र।